1300 किलोमीटर का सफर महज 24 घंटे में तय कर माफिया डॉन अतीक अहमद को यूपीएसटीएफ की टीम साबरमती से प्रयागराज ला चुकी है और 28 मार्च को अतीक अहमद के खिलाफ फैसला आना है। ऐसे में फैसले से पहले वाली रात अतीक अहमद पर बहुत भारी पड़ने वाली है। अतीक की ये रात नैनी जेल में कटेगी। अतीक के भाई को भी बरेली की जेल से लाकर प्रयागराज में कोर्ट में पेश किया जाना है। चलिए आपको बताते हैं कि अतीक और उसके भाई अशरफ के ऊपर आखिर क्या आरोप हैं और किस मामले में फैसला आना है। दरअसल आरोप है कि साल 2006 में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कर लिया था और राजू पाल मर्डर केस में गवाही नहीं देने के लिए धमकी दी थी, साथ ही जबरन हलफनामे पर दस्तखत कराए थे। उमेश पाल ने साल 2007 में अतीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और मारे जाने से एक दिन पहले उसी मुकदमे में आखिरी गवाही भी दे दी। उसी मुकदमे में गवाही देने के दूसरे ही दिन यानी 24 फरवरी को उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी, लेकिन अदालत में अब ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसले का ऐलान बाकी है। लेकिन 28 मार्च को अतीक अहमद पर उमेश पाल के अपहरण के 18 साल पुराने केस में ही फैसला आना है। हालांकि यही अतीक उमेश पाल की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी है। वहीं उमेश पाल की मां ने अतीक अहमद के लिए मौत की सजा की मांग की है। बहरहाल बता दें कि नैनी जेल में अतीक और उसके भाई को रखा गया है और जेल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही माफिया अतीक अहमद पर फैसले की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए जी मीडिया।